तो ये लगी है साइकिल्स और ये रहा टेंट। तो भाई लोग अभी हम लोग है इगू में एंड यार अराउंड व्यू चेक करो कितना सुंदर है। सो मनाली यहाँ से बचा है 424 एंड लेफ्ट साइड जो रोड जा रहा है वो लोमा न्यूमा चुमा थांग एंड हाले, राइट साइड मनाली चंडीगढ़ सरचू तांग लंगला। होप सो रोड हो, टूटा हुआ ना हो बीच में फिर दिक्कत हो सकती है। भाई साहब निकल जाएगा निकल जा भाई, बहुत पानी है, बस शूज़ गिले ना हो। निकल गई सॉरी इटली ओके। सो वे यू गोइंग ले? भाई साहब सही में इतना पानी आ रहा है ना, ये देखो डर लग रहा है यहाँ पे खड़े हो गए। तो गुड मॉर्निंग जी, ये आ चुका है अपना आलू का पराठा एंड साथ में चने हैं और दही है। एंड रात को भैया कह रहे थे कि हम खुद का ही दही इधर जमाते हैं एंड पूरा ऑर्गेनिक दही है। तो ये पराठे आ गए अंकल जी अपने। इन अंकल की बात कर रहा था, होशियारपुर से है। हाँ जी होशियारपुर, तो कल थोड़ा बेटा बैठा सी? हाँ जी बेटा। हाँ जी वो इनके लड़के थे एंड पराठा आ चुका है। सो ठीक है ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एंड सुबह ही ना, आज सुबह ही हैवी खा लेंगे बिकॉज आगे कोई पता नहीं है कि मिलेगा या नहीं, क्योंकि सारा रास्ता वैसे ही है। कल भी मतलब हम लोग इसी चक्कर में ना भूखे रह गए 3-4 बजे तक। एंड आज नहीं वो रिस्क लेंगे, आज सुबह खा के ही निकलेंगे एंड बनाने का साथ में ले जाएंगे, अगर कुछ नहीं मिला तो बना के खा लेंगे। ये देखो क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है? हाँ जी ये कर रहा है, मैं ना व्लॉग को रात को ही अपलोड लगा के सो गया था, सुबह तक अपलोड हो गया, बस इवनिंग में पब्लिक करना है। ये बंदे को कुछ याद नहीं रहता, इसको बस खाना और सोना, बस बाकी सब इसको याद दिलाना पड़ता है कि ये कर ले। अभी शक्ल देखो कैसी बनी हुई है। सो पराठा कर लेते हैं, डोलचे का भी आ गया। सो जी नाश्ता अपना हो चुका है बढ़िया वाला, ये ढाबा था पीछे एंड भाई ये पहला ढाबा मिला जहाँ पे पंजाबी खाना प्रॉपर वाला मिला है। रात को भी मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में देखा होगा एंड अभी परांठे भी एक नंबर थे, तभी हमने सोचा मिस नहीं करना, आगे जाके पता नहीं ऐसा खाना मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मोस्टली जगह पे ना मैदे का बनाया होता है रोटियाँ वगैरह, यहाँ पे भाई अट्टे की थी। और ये लगा था अपना टेंट और साइकिल भी इसके पीछे ही हमने लगा दी थी लॉक करके। लॉक खोल दिए डोर जे? नहीं। सो ये लगी है साइकिल्स और ये रहा टेंट, बस फटाफट इसको वाइंड अप करेंगे एंड निकलेंगे। ये देखो यार ये व्यू है। एंड रात को ना ठंड बढ़ गई थी बट अपने पास स्लीपिंग बैग था तो इतनी दिक्कत नहीं आई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डी राइड। सो गाइस कैसे हो आप सब, आई होप सब बढ़िया होंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान हर हर महादेव। सो गाइस आज है अपनी पंजाब टू लद्दाख राइड का डे 20 एंड यार 19 डेज हो चुके हैं। अगर आपने वो डेज का व्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो, बहुत मजा आने वाला है। एंड फिलहाल आज हम लोग क्रॉस करेंगे भाई तांग लंगला पास। सो भाई चढ़ाइयाँ हो चुकी हैं शुरू एंड ना पीछे काफ़ी ज़्यादा मैंने शूटिंग किया, क्योंकि सारा ना मिलिट्री एरिया है सो यहाँ पे शूट करना बनता नहीं है। एंड आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सो ये देखो दूर आपको दिख रहा होगा त्रिशूल, ये देखो भाई इसी बात पे लिख देना हर हर महादेव। जोर लगा के हैया बढ़ते जा तू भैया, राइम बन गई भाई सस्ते वाले। हो पता नहीं अब मुझे लगता है तांग लांगला तक ना चढ़ाइयाँ ही हैं। हो जितना बैठ के चढ़ेगा चढ़ाएंगे, बीच बीच में होगी पैदल यात्रा। भाई लोग अभी हम लोग है इगू में एंड यार अराउंड व्यू चेक करो कितना सुंदर है। भाई देख लो सीधा रोड जा रहा है एंड साइड पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ये देखो एंड आसमान देखो बादलों से भरा।
भरा हुआ है। मजा आ गया यार, मजा आ गया व्यू देख के। सलो जी बहुत ले लिए ढलान के मजे, अब चढ़ाइयाँ शुरू है, मेहनत शुरू करनी पड़ेगी अब पैडल मारने। चलो यहाँ तक खिंच रही है, जहाँ तक जाने दो, रुक गई। चलो जी शुरू पैडल। सो गाइस वेलकम इन उपशी, हम लोग मनाली। ठीक है जी। सो यहाँ पे करवाते हैं एंट्री। दूसरे का नाम बोलो। दूसरे का नाम डोरजे। डोरजे। सो भाई लोग, आप लोगों ने देख ही लिया, एंट्री अपनी हो चुकी है साइकिल की। बेसिकली लोग बाइक गाड़ियों की एंट्री कराते हैं, अपन लोग साइकिल की भी एंट्री करा रहे हैं। एंड यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है उपशी, एंड सामने बोर्ड लगा है वो छोटा सा, जहाँ पे सरचू लिखा है 202 सोमरेरी 173 नहीं जाना, पांग 127। सो ये भाई अपने रूट में पांग आने वाला है एंड सरचू आने वाला है, सरचू के बाद हिमाचल शुरू हो जाएगा एंड जो अपने प्रीपेड सिम है ना वो भी चल जाएंगे। फिलहाल आगे तक ना हमें तांगलांगला क्रॉस करने तक कुछ नहीं मिलने वाला, सो यहाँ से थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं एंड थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं। सो मनाली यहाँ से बचा है 424 एंड लेफ्ट साइड जो रोड जा रहा है वो लोमा न्यूमा चुमा थांग एंड हाले, राइट साइड मनाली चंडीगढ़ सरचू तांगलांगला, और तांगलांगला 51 किलोमीटर है यहाँ से। क्या बात है यार, क्या बात है, यहाँ तो रुकना बनता है। सो ये रही अपनी मस्तानी एंड ब्रिज देखो कितना सुंदर सा है, एंड ये रिवर का व्यू यहाँ से। उपशी सेतु, उपशी ब्रिज पे अभी हमने बना ली है अच्छी सी रील, एंड आपको बता दूं कि ये जो रील है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे अपलोड हो जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ऊपर स्क्रीन पे भी अभी आईडी शो हो रही होगी। सो भाई लोग जल्दी से जाके वहाँ पे फॉलो कर लो हमें, एंड आपको अच्छी अच्छी रील्स अच्छी अच्छी पोस्ट देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पे ना अपने लेफ्ट साइड बह रही है नदी, पता नहीं कौन सी है, नाम पता नहीं है, एंड सामने पहाड़ों को चीरते हुए जा रहे हैं हम लोग बीच में से। भाई साहब पीछे लिखा था हॉर्न, मतलब हॉर्न बजा देते हैं, देखा अपने पास भी हॉर्न है। और यार रास्ते देखो ऐसे ऐसे है और जले हुए पहाड़। सो अभी रुके हैं थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, बिकॉज काफ़ी खींच दिया यार। एंड ये देखो यहाँ का नज़ारा, पास में बह रही है बिल्कुल नदी, मैंने पहले बोला था नदी का नाम पता नहीं है, एंड ये नज़ारे देखो यार, मतलब आपको ऑलमोस्ट स्पीति जैसे लगेंगे पहाड़ यहाँ पे, ये देखो सारे। एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो देखो वहाँ पे पत्थर अटके हुए हैं, वो ऐसे लग रहा है कि ऊपर से ना गिरते गिरते रास्ते में रह गए, नीचे तक पहुँच नहीं पाए, काफ़ी जगह ऐसा है। वो देखो वहाँ पर भी, ये भी देखो बड़े बड़े पत्थर, ये देखो ऐसे लग रहा है कि नीचे गिरते गिरते रास्ते में रह गए। भाई साहब रास्ते देख लो यार कैसे है, एंड ज़्यादातर ना इधर सुनसान ही है, मतलब बहुत देर बाद कोई गाड़ी निकलती है, अगर बाई चांस कोई दिक्कत आती है तो मिल जाएगी हेल्प, ऐसा नहीं है, बट बहुत वेट करना पड़ेगा। देख लो कोई गाड़ी वगैरह नहीं है। तो अभी आपने देखा ये पता नहीं क्या था, बतके सी, क्या था डोरजे, है ना, बत्तख टाइप थे कुछ, और साथ में उसके दो बच्चे थे, और हमने इनको देखा साथ में, साइकिल रोक लिया जब तक वीडियो बनाया, भाई वो स्पीड से दौड़े, एंड छोटा सा क्लिप आप लोगों ने देख लिया, 3 से 4 सेकंड का होगा या 5 सेकंड का। ये देख लो जी एक और मिल गया, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। ये यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी प्लेस आई है, लेफ्ट साइड पे लोग कैंपिंग कर रहे हैं, एंड वाटर क्रॉसिंग आ गई यार, ये तो छोटा सा आगे बड़ी वाली है, रोड ही है ना, टूटा तो नहीं है, निकाल दे। चलो यार
होप्स और रोड हो, टूटा हुआ ना हो बीच में, फिर दिक्कत हो सकती है भाई साहब। निकल जाएगा भाई, बहुत पानी है, बस शूज गिल्ले ना हो। निकल गई निकल गई। बस टेंशन पता क्या होती है कि बीच में रोड टूटा हुआ ना हो, फिर साइकिल का बैलेंस जाता है। बट रोड ही था, बस पानी भरा हुआ था, शूज़ थोड़े थोड़े गिल्ले हुए, ज़्यादा नहीं, अंदर तक नहीं पानी गया। सो भाई लोग, अभी हम लोग रुके थे एंड अपने को एक और साइकिलिस्ट मिले। हो हेलो, वेयर यू फ्रॉम? हाँ सॉरी, इटली। ओके, सो वेयर यू गोइंग? ले कमिंग फ्रॉम तांगलांगला। ग्रेट। सो अभी आपने देख ही लिया, साइकिलिस्ट मिला यार, थोड़ी बातें करी उससे, अच्छा लगा। एंड इटली से था, एंड अपने ना MTB बाइक था, इनके साइकिल दूसरे होते हैं, पतले पतले से, पता नहीं क्या बोलते हैं इनको। एंड वो जल्दी थोड़ा पिकअप ले लेते हैं, अपना थोड़ा जोर ज़्यादा लगता है। चलो कोई बात नहीं, अपना साइकिल भाई सबसे बढ़िया है, ऑफ रोडिंग में इस पर मज़ा आ जाता है। एंड हर किसी की ना अलग अलग खासियत होती है। एंड वीडियो स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया था ना, कारू था ना, कारू से स्टार्ट किया था। एंड वहाँ से किसी से पूछा था, उन्होंने बोला था कि तांगलांगला ना यहाँ से 40 है। एंड वहाँ से अभी तक हम लोग कम से कम भी 35 किलोमीटर आ चुके हैं। एंड अभी यहाँ पे आके हमने बोर्ड पढ़ा है जी, तांगलांगला 50 किलोमीटर। एंड टाइम बता दूँ आपको, 1:30 हो चुके हैं। मुश्किल है करना, बाकी ट्राई करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि ना रोड ज़्यादातर चढ़ाई नहीं है, सीधा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एलिवेशन अप हो रहा है, मतलब ऐसे भी नहीं, बिल्कुल सीधा है। हम लोगों ने ये देख लो, हाई गियर्स पे तो गए ही नहीं, लो पे ही चल रहा है। सो इसका मतलब चढ़ाई तो है, लेकिन थोड़ी थोड़ी है, अपनी तरफ से पूरा खींच रहे हैं यार कि तांगलांगला आज कर ले शाम तक, बट देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। लो जी, इसकी कमी रह गई थी। एंड यहाँ से शुरू हो गया ऑफ रोड भाई, भयंकर वाला ही है। बट ठीक है, अपनी MTB निकल रही है। टेंशन पता क्या है, बस वाटर क्रॉसिंग ना मिल जाए कोई, क्योंकि चप्पलें गुम हो गई है। हमने सोचा था कि चप्पल पहन के क्रॉस कर लेंगे, नहीं तो शूज़ गिले हो जाएंगे। एंड चप्पल यार मिली नहीं यहाँ पे, स्लीपर कहीं मिला ही नहीं। आगे मिलता है तो लेते हैं, क्योंकि आगे वाटर क्रॉसिंग है तो मिलने ही वाली है बहुत ज़्यादा। सो फाइनली अभी पहुँच चुके हैं मीरू में। एंड चाय का वो होता है ना, पंजाबियों को तोड़ लग जाती है, बस वो वाली लग गई थी। सुबह चाय वैसे पी थी बट बहुत जल्दी पी ली थी, उसके बाद परांठा खाया था साथ में, देन बीच में कुछ खाया नहीं हमने। एंड फाइनली भाई, ये रही पंजाबियों की एनर्जी ड्रिंक, ये मिल जाए तो ना स्टिंग की ज़रूरत है और ना रेड बुल की, क्यों? हाँ जी सर। और ये बिस्कुट मैंने ले से लिए थे स्टोर से, नमकीन भी लिए थे और मिठे भी लिए थे, सो ये साथ में खाएंगे। एंड यहाँ पे ये कुछ व्यू है, एंड यहाँ पे आइसक्रीम मिलती है, मैगी मिलती है, एंड एग और ब्रेड, क्या बोलते हैं उसको, ऑमलेट ब्रेड मिलती है, एंड आइसक्रीम भी मिलती है। सो यहाँ पे बस इतना सही है, इसके आगे फिर सुनसान ही मिलने वाला मुझे लगता है दूर तक। सो कारू से हम लोग निकले थे, एंड उसके बाद रोड तो थोड़ा ठीक था बट ना चढ़ाई थी थोड़ी थोड़ी, जिसके कारण अभी तक 2:30 बज गए हैं एंड हम लोग 30 किलोमीटर खींच पाए हैं। सो रूमत से करके जगह आती है, यहाँ से कुछ है 17 किलोमीटर, मे बी शायद वहाँ रुक जाएंगे। एंड तांगलांगला की चढ़ाई वहाँ से स्टार्ट होती है, तो फिर कल आपको तांगलांगला दिखाएंगे। आज तो मुझे लगता नहीं पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज 2:30 तो यार हो चुका है यहीं पे। एंड यहाँ पे ना थोड़े थोड़े पेड़ है, छोटी छोटी हाइट के, मैंने बताया क्लाइमेट के कारण, बट यार क्या सुंदर लग रहे हैं, हरियाली हरियाली होती है। हम लोग वैसे भी ना सूखे सूखे पहाड़ देख के पक चुके हैं, एंड भाई वेट कर रहे हैं कब ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे, ग्रीन ग्रीन। यहाँ पे ना एक बार जो पहाड़ है उनकी शेप चेक करो, ये देखो ये सारे ऐसे नहीं लग रहे, किन में से जो मिट्टी है सारी वो खिसक के नीचे आ चुकी है, एंड ये सिर्फ प्लेटों की तरह बचे हैं। देखो
देखो सारे ऑलमोस्ट यहाँ पे ऐसे ही हैं, सब आगे तक ऐसे ही दिख रहे हैं। चलो जी आगे बाइकर गैंग। फॉरनर है ना सारे? सारे फॉरनर्स है, ज़्यादातर हमें बाइकर्स ना इस बार फॉरनर ही मिले हैं। सारे बाइक, कितने ही लंबी गैंग आ रही है और ज़्यादातर सारे फॉरनर। ये देखो पीछे से क्या बोली जा रहा है, लेट्स गो अंकल, पिटेगा तुझे यहीं पे। ये देखो और आ गए, यो मैन। भाई यहाँ पे ना हमारे साथ बहुत गंदा मजाक हो रहा है। कम से कम 1.5 किलोमीटर आ चुके हैं, पीछे लिखा था लाटो 4 किलोमीटर एंड अभी भी 4 ही है। और उसके पीछे ना एक बोर्ड लगा था जिसपे रुमस्ते 19 किलोमीटर था एंड हम लोग 400 मीटर गए होंगे, थोड़ा आगे बोर्ड लगा था 14 किलोमीटर। कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों डोरजे, पीछे कितना पड़ा था, 4 पड़ा था ना, इतना किलोमीटर चलने के बाद अभी भी 4 है। धूप चल रहा है भाई, थोड़ा और आगे जाएंगे ना फिर भी 4 ही रहेगा। मुझे तो लगता है टाइम लैप्स में तो नहीं फंस गए हम, वही लूप चल रहा बार बार। चार। हूँ क्या पैकेट चूसेंगे अभी? बिस्कुट खाने बैठे थे भाई, कब के ख़त्म हो गए पता नहीं, उसमें से ढूंढ ढूंढ के क्या खाई जा रहा है। थोड़ी देर और रुक जाता इसने पैकेट खा लेना था अगर मैं इधर उधर होता। एंड बैठे देखो कहाँ पे है, एक्चुअली साइडों पे धूप थी, इवनिंग तो हो चुकी है, धूप धीरे धीरे डल रही है, बट मन करा था कि थोड़ा ना ऐसे पेड़ के नीचे बैठे, अच्छा सा लग रहा है यहाँ बैठ के। और फिर निकलते हैं, 5 बज चुके हैं एंड जहाँ तक जाने का सोचा था रुमस्ते वो अभी भी है 9 किलोमीटर, लग रहा है 1 घंटा और लग जाएगा क्योंकि ना चढ़ाइयाँ सारी उपशी से हमें कंटिन्यू चढ़ाइयाँ ही मिली है, चाहे वो थोड़ी थोड़ी एलिवेशन ज़्यादा ऊपर नहीं है लेकिन फिर भी चढ़ाइयाँ तो है, लो गियर्स में चल रही है। फिर किद्दा बैठ गया, तेरे मम्मी ने मना किया ना इतना गरीबा वांगू नहीं बैठना? भाई इसकी मम्मी वीडियो देख के बोलती तू कैसे बैठा रहता वहाँ पे, सच्ची गरीबों की तरह बैठा होता है। अब देखो अब बैठा लालों की तरह। नहीं मतलब लग रहा है हंटर, जैपनीज हंटर। इसको लोग देखते हैं ना, आधे लोग तो इंग्लिश में बात करने लग जाता, उनको लगता है कि फॉरनर है। जब ये अपना मुंह खोलता है ना फिर आपको पता ही है। भाई एक बार यहाँ पे ना पहाड़ों की शेप चेक करो, ये देखो यहाँ पे ऐसे नहीं लग रहा जैसे साइडों पे दीवारें खड़ी करी है एंड बीच पे रोड है। ये देखो इस साइड भी है एंड उस साइड भी है, ये देखो पूरा नीचे तक ऐसा लग रहा है दीवार बनाई हुई है। डोरजे मान जा अभी भी, इसको मैं कब से बोल रहा हूँ आप लोग भी कमेंट में बोलो। ये देखो दो पहाड़ों के बीच में ना स्लाइडर बना हुआ है, मैं इसको बोल रहा हूँ ऊपर तक चढ़ के जा और नीचे स्लाइड करके आ, मैं तेरी रील बनाता हूँ वायरल हो जाएगी। क्यों डोरजे? नहीं सर। वायरल हो जाएगा तू रातों रात। ये तो वही काम हो गया सर, जाना कारा जे आना अखबारा जे। ये देख लो इसके आगे भी बनी हुई है एंड उसके पीछे बनी हुई थी, मोस्टली जितने पहाड़ हम पीछे भी दिखाए हैं। मे बी ना यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा पड़ती है, उसके कारण जब स्नो पिघलती है ना मिट्टी सारी नीचे आ जाती है और जो सख्त सख्त चट्टाने ना वो रह गई है, कंटिन्यू वहाँ तक ऐसे ही है। देख लो यार कुदरत के नज़ारे। भाई साहब कम से कम ना 2 किलोमीटर ऐसे खींच के लाए, चढ़ाई थी ज़्यादा एंड अभी सामने लाटो गाँव आ गया मे बी। भाई ये होती साइकिलिस्टों की दुख दर्द पीड़ा। तो मैं बता दूं जिसको मैं लाटो लाटो बोले यह रहना, भाई हिंदी में लिखा है यहाँ पे उसका नाम है लातो। पीछे क्रॉस किया हमने लातो ब्रिज एंड यहाँ पे हिमांग की तरफ से लिखा है इंडिया इज़ अ बैंक्वेट लद्दाख अ फ्लावर इन इट।
राइट, वेलकम टू विलेज लातो। अब लातो ही पढ़ूंगा। 2 किलोमीटर 9 किलोमीटर तो हमने बहुत पीछे पड़ा था। वो तो लाटो था, यहाँ तक का ही। नहीं नहीं लाटो तो 4 था आगे वो। आपका लाटो मीरू टू लाटो आपको 9 किलोमीटर देखा होगा, वही लिखा है मीरू से लिखा होगा लातो। हाँ, 9 किलोमीटर लिखा होगा, यहाँ से आके 9 किलोमीटर है। अच्छा, मतलब रूम से अभी 9 किलोमीटर है, हम लोग सोच रहे पास में ही आगे। नहीं नहीं पास थोड़ा दूर है। चढ़ाई है या सीधा ही है? चढ़ाई है, थोड़ा अभी चढ़ाई मिलेगा आपको यहाँ से आएंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं चढ़ाई नहीं। अच्छा ऐसा ही है जैसा पीछे था। अच्छा रूम से तक 9 किलोमीटर है। बाइक पे हम लोग इतनी स्पीड से निकल जाते हैं ना, रास्ते से इतनी सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। अभी मुझे भी पता लग रहा है कि मैं लास्ट टाइम बाइक से आया था, मैं कितना कुछ नहीं देख पाया था जितना कुछ मैं साइकिल पे देख रहा हूँ। ये चेक करो भाई, पानी देखो ऐसा लग रहा है हेवन से आ रहा है, और कितना ज़्यादा स्पीड में आ रहा है। एंड ये यहाँ से जा रहा है और वो रिवर में जाके मिल रहा है। भाई साहब सही में इतना पानी आ रहा है ना, ये देखो डर लग रहा है यहाँ पे खड़े हो गए। ये देख लो एक बार कितना ज्यादा पानी है। सभी आ चुकी है एक और वाटर क्रॉसिंग, पर भाई बीच में से नहीं निकालना, रिस्क नहीं लेना, पता नहीं पानी कितना गहरा है। साइड साइड से निकालते हैं। भाई रोमस्ते आजा, आ ही नहीं रहा। वाओ यस सर, यू आर ओनली 2 ऑफ। यस सर, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। 20th डे आज। ओ वाओ 20th डे। हम लोग कश्मीर से गए थे। ओ अंबाला पूरा राउंड करके। यस यस यस, श्रीनगर वाया श्रीनगर। यस जो जिला कारगिल। यस करके वहां से ले फिर खारदुंगला दनिया से। अभी कहां रुकने वाले आज? बस यहीं कहीं रुकेंगे, टेंट लगाएंगे। अच्छा टेंट लगाएंगे। हाँ जी हाँ जी, सब सपोर्टेड ऑल जी। नो बैकअप नथिंग। नाम? माय नेम इज गोल्डी एंड ही इज दोर्जे। दोर्जे एंड गोल्डी, वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच। कीप इट अप, कीप इट अप। थैंक यू सो मच सर। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। सलाम से लो, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट। सो आपको बता दूं अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रोमस्ते में, एंड इसका जो एल्टीट्यूड है भाई 14,000 फीट है। 11,000 पे थे हम लोग, ऑलमोस्ट आज के दिन में 3,000 प्लस अप कर लिया है। एंड बस यहीं पे रुकना है, स्टे का देखते हैं फिर दिखाते हैं आपको। सो गाइस फाइनली अपना आशियाना लग चुका है रोमस्ते में, जिसका एल्टीट्यूड है 14,000 फीट। एंड यार अराउंड व्यू कुछ ऐसा है, देख लो सामने ये वही सूखे सूखे से पहाड़ शुरू हो गए हैं, मिट्टी वाले जैसे हम लोग रास्ते में हम लोग को मिले थे। एंड वो वहाँ पे सनसेट का नज़ारा कर लो, एंजॉय यार वो वहाँ पे हो रहा है सनसेट, एंड कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। एंड ये रहा भाई अपना टेंट, एंड फिलहाल वो पीछे ढाबा है वहाँ पे खाने जाएंगे, फ़ोन भी चार्ज लगाएंगे, एंड खाने के बाद ना जल्दी खा लेंगे। बेसिकली 7 तो बज चुके हैं, सुबह का ना खाया नहीं, बस परांठे खाए थे, उसके बाद बिस्कुट वगैरह ही खाया, लाइट खाया। एंड आज हमने टोटली किया है 45 किलोमीटर नियर अबाउट। यस 45 किलोमीटर किया है, बट भाई चढ़ाई थी, कंटिन्यू चढ़ाई थी, बीच में थोड़ी बहुत ढलान आती थी लेकिन कंटिन्यू चढ़ाई थी, जिसके कारण हम 45 कर पाए। अगर चढ़ाई और उतराई दोनों होती तो मुझे लगता है 60-70 कर लेते, बट कल बहुत ज़्यादा करेंगे। कल हम लोग तांगलांगला पास करेंगे भाई, उसके बाद ढलान काफ़ी ज़्यादा है, सो हो सकता है किलोमीटर्स में ज़्यादा हो जाए। बट आज यार क्या व्यू है कैंपिंग का, मज़ा आ गया। व्यू चेक करो, कैंप चेक करो, और इसका मुंह चेक करो। सो गाइस खाना वाना अपना हो चुका है बढ़िया वाला, एंड राजमा राइस और रोटी हमने खाया था, एंड राजमा बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। पूरे लद्दाख की बात करूँ ना तो सबसे ज़्यादा टेस्टी राजमा हमने आज खाए हैं, एंड मज़ा आ गया। एंड फिलहाल अभी आप लोग देख लो हम लोग स्लीपिंग बैग वगैरह में घुस चुके हैं, ये देखो, और ठंड यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा है। एंड फिलहाल कैंप में या स्लीपिंग बैग में तो उतनी ज़्यादा नहीं लग रही, बट बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए हम लोगों ने खाना खाया और उसका व्लॉग भी नहीं बनाया, फटाफट सीधा कैंप में आ गया स्लीपिंग बैग वगैरह खोल के लेट गए।
सो एक चीज़ और बोलना चाहूँगा व्लॉग ख़त्म करते करते, बहुत लोग को यार लग रहा होगा कि हमने ना घर वापसी कर ली है एंड अभी जो व्लॉग है वो सिंपल होंगे। भाई ऐसा नहीं है, अभी लद्दाख ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज लेट हूँ अगर आप मनाली जाते हो ना भाई, असली लद्दाख तो वो है, रोड बहुत ज़्यादा एडवेंचरर है। रास्ते में हम लोग को चार पासेस मिलने वाले हैं एंड लास्ट पास जो होगा वो होगा बारालाचला पास, जो कि बहुत टफ है, उससे पहले भी सारे पासेस बहुत टफ है। सो आपको बहुत तगड़े तगड़े रोड्स मिलने वाले हैं, बहुत तगड़े तगड़े व्यूज़ मिलने वाले हैं। सो ऐसा मत सोचना कि लद्दाख सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, अपनी लद्दाख सीरीज़ भाई कंटिन्यू रहेगी जब तक मैं घर नहीं पहुंचता। बट बेसिकली मनाली जब हम लोग पहुंच जाएंगे उसके बाद रास्ते थोड़े से आसान हो जाएंगे, बट तब तक हमारा सफ़र बिल्कुल भी आसान होने वाला नहीं है। सो तांगलांगला हम लोग आज करने वाले थे, बट आपको बताया कि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है जिसके कारण हम लोग आज 45 किलोमीटर कर पाए। सो यहाँ से तांगलांगला कल है 28 किलोमीटर, वो चढ़ेंगे देन उतरेंगे। एंड ये था कुछ आज का शेड्यूल एंड कल का भी मैंने आपको बता दिया। सो ठीक है, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अगर बढ़िया लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, गोल्डी राइट्स।